विवेकानंद केंद्र अजमेर की ओर से विभिन्न स्थानों पर योग शिविर लगाकर आम जनता को स्वस्थ रहने का संदेश दिया जा रहा है। इसी के तहत नसीराबाद रोड पर स्थित समारोह स्थल पर 4 जून से शुरू किए गए योग शिविर में लगातार अजमेर दक्षिण के विधायक अनिता भदेल भी भाग ले रही है और महिलाओं में युवाओं को जागृत किया जाना है कि वह रूप में भाग लेकर अपने आप को स्वस्थ रखें। इस मौके पर विवेकानंद केंद्र के पदाधिकारियों द्वारा अलग अलग आसन की जानकारी देने के साथ ही विभिन्न जानकारियां भी साझा की जा रही है, जिससे कि व्यक्ति योग के माध्यम से स्वस्थ रह सकें। अजमेर दक्षिण विधायक अनिता भदेल ने बताया कि विवेकानंद केंद्र की ओर से शहर में अलग अलग स्तर पर योग शिविर लगाए जा रहे हैं। 4 जून से 21 जून योग दिवस तक यह शिविर आयोजित की जाए और इसके बाद भी निशुल्क योग शिविर अलग अलग स्थानों पर लगाए जाएंगे। ऐसे में आम जनता भी योग शिविर का लाभ उठाकर अपने आप को स्वस्थ रखें, इसका संदेश भी दिया जा रहा है। जी मैम, आज किस तरह का योग? विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के राजस्थान प्रांत की अजमेर शाखा की ओर से शहर में विभिन्न स्थानों पर योग कराया जाता है। प्रातःकाल कई स्थानों पर चल रहा है, उनमें से एक स्थान यहाँ टोरंटो है जो 4 जून से यहाँ प्रारंभ हुआ है। 21 जून तक लगातार यहाँ होने वाला है ये, और इसके बाद साधक के कंटिन्यू होने के बाद में इसको लगातार जारी रखेंगे। इस योग प्रशिक्षण शिविर में हमारे स्वतंत्र शर्मा जी और अंकित जी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से और कराने के माध्यम से भी, और खूब सारी बहनें हैं जो कराती भी हैं, सीखती भी हैं और सिखाती भी हैं। तो लगातार ये क्रम जारी है और आज देखिए बारिश होने के बावजूद भी कितने सारे साधक यहाँ उपस्थित हैं। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे ये जो हमारे लोग हैं उनमें जागरूकता आ रही है और लोग इसको आने सीखने के लिए तत्पर हैं। तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगी कि अजमेर में विवेकानंद केंद्र की ओर से विभिन्न स्थानों पर ये शिविर चलाए जा रहे हैं। तो जो हमारे नागरिक बंधु हैं उनको आग्रह है कि जिस भी स्थान पर वो करना चाहते हैं, नाका मदार में, वैशाली नगर में, आदर्श नगर में, गुलाबबाड़ी में, सब जगह के शिविर लग रहे हैं विवेकानंद केंद्र के माध्यम से, तो उस केंद्र में जाकर के अपनी निःशुल्क सेवाएं जो केंद्र के द्वारा दी जा रही है उनको ग्रहण कर सकते हैं। विवेकानंद केंद्र की ओर से जो राजस्थान प्रांत में प्रयास हो रहे हैं, यानी पूरे प्रांत में ही एक यूनैनिमस और यूनिफॉर्म जो योगाभ्यास है प्रैक्टिस, ये अखिल भारतीय स्तर पर 1972 में तय हुई थी माननीय एकनाथ जी के द्वारा और आज तक निरंतर अनवरत चल रही है। 2015 में विशेष रूप से जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और उसके बाद में ये व्यापक रूप से पूरे विश्व में प्रसारित हुई है। आज अजमेर में एक साथ एक ही स्थान पर, यानी अलग अलग स्थानों पर एक ही स्वरूप में और एक ही समय में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे योग दिवस पर, और बहुत सारे संगठन उनको प्रशिक्षण भी चल रहा है और साथ ही साथ उनका जो अभ्यास है वह भी चल रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हम एक अच्छे से रूप में मनाएं, और विवेकानंद केंद्र का एक स्वभाव है और उसका ये योग प्राण स्वर है, यानी प्रत्येक कार्य में योग हो और इसको लेकर के हम लोग कार्य करते हैं। और ये केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के एक दिन तक सीमित नहीं है, पूरा 365 दिन ये अभ्यास चलते हैं। अलग अलग समय में अलग अलग प्रशिक्षण भी लगते हैं, वर्ग भी लगते हैं और अभ्यास भी निरंतर चलता रहता है। आज का ये कार्यक्रम तो टोरंटो पैलेस में है, और लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे तो सब जगह चार विस्तार में अपना काम होता है। ये वाला क्षेत्र विवेकानंद विस्तार कहलाता है और फिर रामकृष्ण विस्तार, दार्शन विस्तार, पृथ्वीराज विस्तार, इन चारों विस्तारों के अंदर योग प्रशिक्षण सत्र। मेरा नाम डॉक्टर स्वतंत्र शर्मा है, विवेकानंद केंद्र में प्रांत कार्य पद्धति प्रमुख का दायित्व है।